जयपुर में घने कोहरे के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जीरो विजिबिलिटी के चलते हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। स्कूली बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के साथ खिलवाड़ करने का मामला एक बार फिर से सामने आया है। आपको बता दें कि सहारनपुर से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ अज्ञात युवक अंबेडकर की फोटो फाड़ रहे हैं और फिर उसे फेंक कर चले गए। मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। फिरोजपुर में 4 महीने पहले फरार हुआ तस्कर हरभजन सिंह राणा ने अपने ही गांव के सरपंच के घर में घुसकर हत्या कर दी। इस दौरान तस्कर हरभजन सिंह राणा की भी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। अभी तक हरभजन सिंह राणा की मौत का पता नहीं चल सका है। फरुखाबाद डीएम ने तहसीलदार सदर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें कर्मचारियों की लापरवाही देखने को मिली, जिसके बाद डीएम ने तहसीलदारों को जमकर फटकार लगाई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान ने गरीबों को कंबल वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने हनुमान जी के विषय में बोलते हुए कहा कि हनुमान जी देवता से भगवान थे और मैं उनको भगवान मानता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं खिलाड़ी हूं और खिलाड़ी लोग हमेशा शक्ति की पूजा करते हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से 3 तलाक का मामला सामने आया है। पीड़ित पत्नी का कहना है कि उसके पति ने जुआ खेलने के लिए पैसे मांगे, जिसे देने से उसने इनकार कर दिया था। इस बात से गुस्साए पति ने उसे तलाक दे दिया। मामले में पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। आगरा में बीटेक छात्रा को बाइक सवार 2 युवकों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया, जिसके बाद छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसमें अभी तक उन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिसको लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। सिद्धार्थनगर में हिंदू युवा के प्रदेश प्रभारी और विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल बांटी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में आए दिन बम धमाका होते थे तो नसीरुद्दीन शाह को डर नहीं लगता था। आज मोदी जी के सरकार में जब बम धमाका नहीं हो रहा है तो उनको डर लग रहा है। पूरे देश के हर कोने में बम विस्फोट होता था, तब उनको इस देश में खतरा नहीं लग रहा था। मोदी जी के आने के बाद पूरे देश में कहीं भी आतंकवादी बम विस्फोट की घटना नहीं घटी, यह रिकॉर्ड है। अब उनको जरूर डर लग रहा है। उत्तर प्रदेश में पुलिस के साथ बदसलूकी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला नोएडा से है, जहां 2 युवकों ने नशे में चूर होकर पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी की। इतना ही नहीं, नशे में चूर युवकों ने महिला कांस्टेबल के साथ भी अभद्रता की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों लड़कों को हिरासत में ले लिया है। शाहजहांपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद का उनके आवास पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जहां जितेंद्र प्रसाद ने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि 2019 में जनता भाजपा के झूठे वादों के बहकावे में न आकर कांग्रेस का साथ देगी और 2019 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। नहीं, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि राजनीति अपनी जगह और धर्म अपनी जगह, और जो लोग हनुमान जी का भी राजनीति में इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्यमंत्री को जात बता रहे हैं, आज कोई भाजपा का नेता धर्म बता रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 2019 में हनुमान जी बताएंगे भाजपा को कि क्या होता है धर्म और क्या होती राजनीति।